नमस्कार, आ चुके हैं आर्ट इंस्टीट्यूट नैनी प्रयागराज सेंटर पे और सभी कैंडिडेट सीटेट का एग्जाम छूट चुका है। सभी कैंडिडेट निकल रहे हैं और आज जानने का प्रयास कर रहे हैं कैसा हुआ पेपर। हेलो सर कैसा हुआ पेपर, थोड़ा टाइम देंगे। हेलो, कैसा हुआ पेपर? बढ़िया हुआ। CDP में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? CDP में ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसमें SST में घास के मैदान से पूछे गए थे क्वेश्चन, और उधर से आए थे क्वेश्चन, ये घास के मैदान हो गया, दक्षिण भारत से क्वेश्चन आए थे। और हिंदी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? मतलब हिंदी तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। उसमें का प्रत्यय पूछ लेता है किसी में जी, और जिसे पैसे से रहते उसी में का व्याकरण से कुछ क्वेश्चन रहता है। और आपका संस्कृत में कैसे आ रहे क्वेश्चन? संस्कृत तो हमें नहीं समझ आ रहा बहुत टाइम, मतलब लैंग्वेज क्या थी उसकी, थोड़े हार्ड। इतने बड़े बड़े पैसे थे कि वो करने में मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सा संस्कृत का बन रहा था। हाँ, संस्कृत में क्या जैसे किस प्रकार क्वेश्चन? CDP आसान थी, फर्स्ट पेपर के वास्ते ही आसान था। क्या आपको जैसे वृद्धि मापन मूल्यांकन से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं? मिला था, मिला है। वृद्धि से विकास से मिला था क्वेश्चन, विकास से मिला था, विकास से था, वृद्धि से था और उसमें से था, मूर्त अमूर्त संक्रियाओं से था, रूढ़वाहिता भी क्वेश्चन था। अच्छा जी, ये रूढ़वाहिता से। क्या लग रहा था पेपर का कठिनाई स्तर किस प्रकार का था? सब ठीक था, केवल संस्कृत बिगार थी बस। अच्छा। बाकी वो SST तो सरल थी। अच्छा, SST जी थी। उसमें संविधान से क्वेश्चन थे, संविधान से क्वेश्चन थे कि अपने कौन अपने नारे में ये कहा है अनेकता में एकता, इसको पूछा गया था। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था कथन, और एक कथन था गांधी जी का कथन था कि मैं चाहता हूँ कि जो पढ़े हैं नहीं पढ़े सब लोग को अधिकार होना चाहिए वोट का, ये वाला था। और संविधान से एक क्वेश्चन था वोट के बारे में कि संविधान जब 1956 में लागू हुआ था तब उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो उसमें 18 वर्ष दिया था वोट के लिए जबकि 21 वर्ष था, ये चीज़ का क्वेश्चन था। और सोशोलॉजी में सर शिक्षण के किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे? शिक्षण में क्वेश्चन सर वही CDP के आधार पे था, वही आधार, मतलब बहुत ही मतलब लॉन्ग लैंग्वेज पैरा। नहीं नहीं नहीं, उसमें SST में इतना ज़्यादा कुछ बहुत वो नहीं था। अच्छा, नहीं SST में इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, दिक्कत वही संस्कृत में थी बस। बाकी हिंदी का तो पैसेज तो इजी था, वो भी हो गया था। व्याकरण से कुछ क्वेश्चन मिल रहे थे जी, वही पैसेज में व्याकरण बना देता था, प्रत्यय पूछ लेता था उसी में, विच्छेद पूछ लेता था उसी का, ये सब पूछता था। थैंक यू सर, पेपर हुआ। आप ये कैसा हुआ पेपर? क्या बताइए, कुछ बताइए। पेपर ठीक ही हुआ है, जो पेपर जो भैया बहुत बढ़िया था, जो सोशल स्टडी से हम दिए थे उसमें जो है नेता परेता वाला चुनाव वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया था। और इसके बाद जो है संज्ञानात्मक जो CDP है एकदम नॉर्मल थी, वायोग्राफी से भी था, संज्ञानात्मक विकास आकलन उकलन भी कवर पर है, और हिंदी में जो आकलन उकलन भाषा का है सब पूरा दिया था, और संस्कृत और पैडागॉजी में जो है ठीक ही था, समृद्ध उन्मुख विकास पर सब। हिंदी कैसे थी सर? हिंदी भी ठीक ही था, उसमें भी पैडोलॉजी था और उसमें प्रत्यय भी दिया था, संस्कृत में भी प्रत्यय दिया था, उपसर्ग भी पूछा था उसमें, उपसर्ग पर्यायवाची, हाँ पर्यायवाची भी था उसमें। अच्छा, और तो बाकी सब अच्छा गया, बस वही EBS वाला जो है पैडोलॉजी उसमें। संस्कृत क्या कहती है सर? संस्कृत भी जो है मिला जुला के प्रेजेंट ऑफ माइंड जी, प्रेजेंट ऑफ माइंड सही रहेगा तो अच्छे लोग कर। जैसा कि अभी कैंडिडेट एक बोल रहे थे कि बहुत लॉन्ग पैरा आ रहा है। हाँ, लॉन्ग तो पैराग्राफ तो आ ही रहा है, पैडागॉजी भी लॉन्ग पूछ रहा है, क्वेश्चन के आंसर जो है ढूंढने में टाइम लग रहा है, या फिर लैंग्वेज ही ऐसी आ रही है कि बहुत टाइट लैंग्वेज आ रही, समझ नहीं आ रहा क्या मतलब कैसा है इसमें जो है। क्या है कि संस्कृत में जो है हम मतलब जो है अपने से जो पैडागॉजी जो दिया था बहुत ज़्यादा विस्तार करके था, उसमें जो है एक एक वर्ड जो हम लोग जो है समझ समझ से कैसे कैसे करके जो है ट्रिक किए हैं, उसे है ठीक ठाक। उसके बाद धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। आइए सर, कैसा बच गया? एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ है। तो CDP में सर कैसे क्वेश्चन इस बार? में इस बार जो है फर्स्ट मीटिंग से इस मीटिंग में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ रहा है। हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो कहाँ कहाँ से उठाए गए थे CDP में क्वेश्चन? किस जो जितने भी सैद्धांतिक क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि पावलोव हो गया है, हाँ पावलोव हो गया, ब्लावस्की हो गया, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं आ रहा है लेकिन है वही क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा रूप बदला हुआ है, यानी जो पहला पेपर दे रहा है फर्स्ट मीटिंग का और सेकंड में उसको साइको CDP सेम मिल रही है,
50%? हाँ लगभग कह सकते हैं 30-40% हो रहे हैं या लैंग्वेज थोड़ी बदल गया है। हिंदी कैसा हुई सर? हिंदी तो बहुत अच्छा आया था लेकिन भाई संस्कृत जो है बहुत लेंदी आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। संस्कृत बहुत ही हार्ड बताया जा रहा है, जैसा है दो तीन भाई और भी संस्कृत को बता रहे थे बहुत ही लॉन्ग पैरा आ रहे हैं और कठिनाई स्तर बहुत ही उसकी है। और सर आपका सेकंड लैंग्वेज क्या था, साइंस था या फिर मतलब सोशल साइंस था मेरा? सोशल साइंस में कहाँ कहाँ जैसे कि आपको संविधान से क्वेश्चन, संविधान से क्वेश्चन आ रहे हैं थे लेकिन ऐसा नहीं कि कोई जैसे अनुच्छेद वगैरह नहीं पूछा जा रहा है, जैसे सिंपल वर्डों में दिया जा रहा है। संविधान से क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे होंगे, हिस्ट्री में भी क्वेश्चन थे, जियोग्राफी से क्वेश्चन थे और कुछ जो है इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन थे। ओवरऑल पेपर कैसा था सर आपके? पेपर ओवरऑल सही हुआ है, ये होगा कि लगभग 110-115 के आसपास जो है स्कोर आ सकता है। तो आगामी परीक्षा के लिए किस प्रकार तैयारी करें आप? आगामी परीक्षा के लिए जो है सभी से कहेंगे जो उसका मानक मतलब जो जो सब्जेक्ट दिया गया है NTA के तहत उसको जो है सभी बच्चे पढ़ के जाएं ना, उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो वही सब चीज़ें आ रही हैं, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से चीज़ें कुछ जा रही हैं। सर प्रीवियस ईयर पेपर का कितना महत्व रहा है? प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करना बहुत मस्त है क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी चीज़ें जो है मैच कर रही हैं। एग्ज़ाम जैसा कि आप बता रहे हैं आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही तगड़ा पूछा था, पूछा था मान थीम की कौन सी मानचित्र किससे संबंधित है, गांव से है कि पहाड़ी से है कि नदी से है, ऐसी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था। हिस्ट्री में क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं सर, आउट ऑफ सिलेबस सब क्वेश्चन दे दिया था। आउट ऑफ सिलेबस। हेलो मैम एक मिनट, कैसा हुआ पेपर? सर अच्छा हुआ लेकिन वो संस्कृत मॉडल था और SSC। और CDP में कैसे क्वेश्चन थे? CDP में तो बहुत सही था, CDP अच्छी थी, हिंदी भी अच्छा था और EBS भी अच्छा था। जैसा कि अभी कैंडिडेट बता रहे हैं कि भुल्ले भाई गोपी हाँ। और ये सारे फर्स्ट मीटिंग में भी आए थे और सेकंड मीटिंग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं सेकंड मीटिंग में वो हाँ आए थे, उसमें कोलवर का भी आया था, वाइगोस्की का भी आया था और मतलब इनका चामुस्की का नहीं आया था। और हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन, क्या बैकग्राउंड? हिंदी में सर जो पैसेज होता है वो सेम उसमें मैच कर रहा था, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। हाँ एक बार आसानी से पढ़ने पे सारे क्वेश्चन के आंसर। और सर प्रत्यय आया था और मतलब वो क्या बोलते हैं प्रत्यय और जैसे लट लकार ये सब मतलब उसमें आया, लकार में पूछ रहे थे। और जैसे समास संधि हाँ समास भी आया था। आया था और जैसे आपकी सेकंड लैंग्वेज क्या थी? सेकंड लैंग्वेज मेरा SST था और मतलब संस्कृत था लेकिन दोनों मॉडरेट था सर। संस्कृत तो जैसा बता रहे हैं कि बहुत ही टफ बता रहे हैं। बहुत टफ था मतलब बहुत ज़्यादा टफ था, वैसे मतलब उसमें मैच भी करा रहे थे मतलब पैसे में नहीं मिल रहा था। SST तो थोड़ा बहुत मतलब उसका जो मतलब होता है मतलब पैडागोगी वो सही था। और हिस्ट्री से या संविधान से किस प्रकार? संविधान से सर क्वेश्चन आया था। और कहाँ कहाँ से टॉपिक बनाया गया? संविधान से आया था और कुछ ज़्यादातर सर वो सेकेंड मतलब क्या बोलते हैं उसका मतलब इतिहास से भी आया था और संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। चलिए थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। आइए मैम। हेलो मैम कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा था। CDP में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? बहुत अच्छे थे। कहाँ कहाँ से टॉपिक आ रहे हैं? अरे जैसे भाई घोष की हुए और वो शिक्षा अधिगम से हुआ ये सब क्वेश्चन थे। आकलन से ऐसे क्वेश्चन यहां से बनाए जा रहे हैं? आकलन से था दो चार निदानात्मक और ऐसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। निदानात्मक में से वो था हां निदानात्मक ही क्वेश्चन था। हिंदी कैसे थी आपकी? हिंदी बहुत अच्छी। सारे पैरा में क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत। व्याकरण के कैसे क्वेश्चन पूछे गए? व्याकरण के बहुत मतलब अच्छे थे हां, कोई ज्यादा मतलब टफ नहीं था। हिंदी का शिक्षण जो आ रहा था पैडागोगी लैंग्वेज उसकी हां लैंग्वेज बहुत सही थी, मतलब एक बार पढ़ने पे आसानी से बहुत आसानी से मतलब बहुत इजी था। संस्कृत कैसे थी आपकी? संस्कृत बहुत अच्छी थी। ठीक है सेकंड वाली बहुत अच्छी थी। जैसे कि सभी लोग बता रहे हैं कि पैराग्राफ जो है काफी जो है कठिन आ रहा था, किसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी तो नहीं 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 जो नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए कठिन रहा है। तो ठीक है आपकी सेकंड लैंग्वेज SST थी या साइंस था, क्या था? नहीं SST थी। कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे? बहुत अच्छे थे उसमें। कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं? संविधान से? हाँ संविधान भी था और मतलब ये वो जैसे संविधान से था और वोट डालने के लिए मतलब जैसे ये सब था, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण से था। भूगोल से कुछ क्वेश्चन आए होंगे?
भूगोल से वैसे तो कोई खास क्वेश्चन नहीं था, लेकिन समाज या ऐसे क्वेश्चन रूढ़िवादिता इस टाइम से नहीं पूछता, बस सुबह वाले टाइम में था। चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो सर, कैसा हुआ सर एग्जाम आपका? पेपर बहुत बढ़िया था सर, बस संस्कृत जो है बहुत लेंदी टाइप का आ रहा है। संस्कृत बहुत ज़्यादा एलएनडी टाइप का आ रहा है। सीडीपी बढ़िया थी, सीडीपी बहुत तेजी आ रहा है दोनों पेपर, मतलब फर्स्ट सेकंड वाले दोनों ही। सेकंड पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन बनाया गया था सीडीपी? क्वेश्चन बहुत नॉर्मल टाइप के थे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पर अगर ध्यान दिया जाए तो ऑप्शन अपने आप निकल जाता था उसमें से। ये थोड़ा ईवीएस जो था थोड़ा ओल्ड मॉडल में क्वेश्चन उठा लिया था, ज़्यादा गहराई से। सीडीपी की बात की जाए जी तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बना रहा है, जैसे कि आपके अभिवृद्धि विकास से क्वेश्चन बना? हाँ, अभिवृद्धि और ये सब पोलर वर्ग से क्वेश्चन तो तेज होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है अक्षमता से थे, जैसे क्वेश्चन बनाया जा रहा है सर। मूल्यांकन से कुछ क्वेश्चन? मूल्यांकन से भी थे जी। अच्छा, क्या सेकंड पेपर में रूढ़िवादिता से क्वेश्चन बनाया गया? हाँ, रूढ़िवादिता से दो क्वेश्चन आए थे। कैसे क्वेश्चन आए थे आपको बताने का प्रयास करें? सर याद तो नहीं है ठीक से। चलिए कोई बात नहीं। ईवीएस में सर बताना चाहते हैं कि ईवीएस बहुत गहराई से पूछ रहा है और उसमें ये दे रहा है कि मतलब ऑप्शन नहीं दे रहा है कि मतलब ये तर्क सही है कि गलत है, तर्क वाइज करके बहुत क्वेश्चन दे रहा है। तार्किक प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो और जैसे संविधान से क्वेश्चन बता रहे हैं कुछ पूछे जा रहे हैं? हाँ, संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन अनुच्छेद आ रहे हैं या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? नहीं, अनुच्छेद आ रहे हैं, फिर जैसे नियम वम पूछा जा रहा है कि कौन से नियम लागू हुए थे और फिर किसके द्वारा मतलब ये बालिकाओं को रक्षण किया लिया मिला वोला, ये सब मान नहीं सकते। और सर जैसे कि हिस्ट्री से क्वेश्चन कुछ बन रहे हैं? हाँ, हिस्ट्री से तो आ रहे हैं, बहुत ओल्ड ओल्ड मॉडल के क्वेश्चन आ रहे हैं। जियोग्राफी से हाँ दो तीन क्वेश्चन आए थे, उनसे अच्छांश से आए थे सर। हाँ, ये सांसर आसांसर ये सब चीज़। और सर किस प्रकार के क्वेश्चन और भूगोल में बनाए जाते हैं जो आपको अगर याद आ रहा है? भूगोल में सर क्वेश्चन ठीक ठाक थे, ज़्यादा मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं थे भूगोल में जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, पेपर अच्छा हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं रिव्यू हम लोगों का कम्प्लीट हो गया है और सभी कैंडिडेट बहुत ही जल्दी में थे, सभी जल्दी जल्दी निकल के अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर दिए हैं। तो हम लोगों का रिव्यू कम्प्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।